सैकड़ों वर्षों से चली आ रही रामलीला पर कोरोना ग्रहण बनकर चुनौती बना है। उसे परास्त करने के लिए संक्रमण काल में हर वर्ष की तरह मनाए जाने वाली रामलीला व दशहरा मेला का इस बार आयोजन नहीं होगा। सदियों से चली आ रही परंपरा पहली बार बंद है। वर्षों पुरानी दशमी की रामलीला हो या त्रिमोहानी की रामलीला और पूर्वांचल का सबसे बड़ा बरियाघाट का दशहरा मेला का इस बार आयोजन नहीं किया गया है। असत्य पर सत्य के विजय का प्रतीक दशहरा पर्व पर कोरोना का असर दिख रहा है। आम जनता को कोरोना से बचने के लिए सभी उत्सव को रोक दिया गया है। शासन के निर्देश पर रामलीला और दशहरा मेला भी स्थगित कर दिया गया है। कई महापूर्व आयोजन की तैयारी करने वाले आयोजक भी शासन के निर्देश पर रामलीला को स्थगित कर दिया है। प्राचीन त्रिमोहानी रामलीला मैदान पर आम दिनों की तरह वाहनों का अड्डा बना हुआ है। बरियाघाट पर भी मेला की जगह सन्नाटा छाया हुआ है। कोरोना आम आदमी के लिए आपदा साबित हो रहा है तो वही आयोजनों पर भी ग्रहण बन गया है। बरियाघाट रामलीला कमेटी के द्वारा आयोजित पूर्वांचल का प्रसिद्ध विजयादशमी मेला लगता है यहाँ पे हर वर्ष। आज 40 वर्षों से यह मेला यहाँ बरियाघाट रोड पर लगाया जाता है। बरियाघाट रामलीला कमेटी का केंद्र श्री पंचमुखी महादेव जी मंदिर का सत्संग हाल है। बरियाघाट मेले का इतिहास बहुत बड़ा है। हर वर्ष यहाँ पर अध्यक्ष का चुनाव होता है, महामंत्री का चुनाव होता है। बहुत ही आकर्षक यह मेला होता है। कम से कम दर्जनों की झांकियों में आकर्षक झांकी बनाई जाती हैं। जितने बरियाघाट रोड पर मंदिर है सबको सजाया जाता है। बरियाघाट रोड से लेकर के खयांची के चौराहा से लेकर के पूरे बघेल की गली तक सजाया जाता है इसको। बघेल की गली उस दिन जहाँ व्यापारियों की दुकानें लगती हैं, रेवड़ी की, ये खोमचा वालों की, या तमाम प्रकार की दुकानें हमारे बघेल की गली मीना बाज़ार में लगाई जाती हैं, जिससे हजारों व्यापारी कमाई करते हैं मेला के दिन। यह मेला इस बार पूर्वांचल का प्रसिद्ध विजयादशमी मेला आज 40 वर्षों के इतिहास में पहली बार कोरोना संक्रमण की वजह से हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसको स्थगित किया जाता है और इस साल मेला नहीं होगा। और इस बार हम लोग श्री पंचमुखी महादेव जी मंदिर का सजावट, महादेव जी का श्रृंगार और राम दरबार की झांकी मंदिर परिसर में ही लगाएंगे और रावण के पुतला को भी मंदिर परिसर के अंदर ही जलाने का काम किया जाएगा। इस बार लोगों में मायूसी है, विजयादशमी मेला ना होने, बहुत ज़्यादा मायूसी है। आज एक महीनों से लोग हमसे पूछ रहे हैं, हमारे कमेटी के पदाधिकारियों से पूछ रहे हैं, भैया मेला लगेगा कि नहीं, मेला लगेगा कि नहीं, मेला लगेगा कि नहीं। चारों तरफ जिले के अंदर ये चर्चा है। सर तो यही है, सब मायूस हैं, दुखी हैं, लेकिन अब ये है कि ये कोरोना काल है, इसमें हम सरकार के साथ हैं और हमको सजग भी रहना है, कोई परेशानी में ना आए, फिर आगे रामलीला होगी, फिर भरत में लाभ निकलेगा है। लेकिन आज के दौर में तो बहुत ज़रूरी है कि सरकार की बात मानी जाए, सरकार के साथ चला जाए, मास्क लगा के आइए। यहाँ शाम को जितने भी लोग बैठते हैं, आरती होती है, सब मास्क लगा के बैठते हैं, हाथ धो के आते हैं, हाथ सफा करके आते हैं, दूर दूर बैठाया जाता है। जिला प्रशासन की मंशा के अनुरूप रामलीला का आयोजन स्थगित कर दिया गया है।